हेलो दोस्तों, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अमन राज जयपुर के नाम से, जो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी बताने वाला हूं। वैसे मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा सबसे पहले उन दोस्तों को जिन्होंने सब्सक्राइब किया है और लाइक किया है, क्योंकि काफ़ी सारे मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे सब्सक्रिप्शंस के। चलिए शुरू करते हैं। ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी में हमने लास्ट टाइम देखा था कि कहाँ पे पॉजिटिव एक्स, कहाँ पे नेगेटिव एक्स, किस तरीके से हम हाइट और विड्थ को हाफ करके पता लगाते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड है। तो उस पर एक छोटा सा असाइनमेंट आज हम करने वाले हैं। हमारे पास यहाँ पे दो बॉक्स है, एक रेड कलर का, एक ब्लैक कलर का। रेड कलर का बॉक्स हमारा मूवमेंट करेगा और ब्लैक कलर का बॉक्स हमारा फिक्स रहेगा। जब मैं स्लाइडर को मूवमेंट कराऊंगा तो उसके अकॉर्डिंग हमारा बॉक्स मूव करेगा। ये पहले इस कॉर्नर से मूव करता है, राइट बॉटम से, और जैसे ही टच करेगा इसकी बॉडी को, इसका कलर चेंज हो जाएगा। फिर यह अगले कॉर्नर से मूव करेगा, टच करते इसका कलर चेंज होगा। इस तरीके से मैं मूवमेंट कराऊंगा और लास्ट में हमारा फाइनल पोजिशंस पे होगा। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दो बॉक्स लिए, दोनों स्क्वायर बॉक्स है। फर्स्ट जो है मूवमेंट करेगा, सेकंड वाला ब्लैक बॉक्स है वो फिक्स है। तो इस रेड बॉक्स पे मैं ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा, लेकिन उसके पहले मुझे एक्स और वाई मालूम होने चाहिए, और एक्स और वाई वो पता चलेंगे मेरे वी द्वारा हाइट से। तो अभी मेरी विड्थ है 150 और हाइट है 150, क्योंकि मैंने स्क्वायर बॉक्स लिया इसलिए दोनों बराबर है। तो इनके एक्स और वाई अगर मैं निकालता हूँ तो वो होता है इनका हाफ, जो कि है 75 75। डबल क्लिक किया, ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी पे गए, सबसे पहले टैग नेम दिया, रोटेशंस आपको क्लॉकवाइज घुमाना है या एंटी क्लॉकवाइज, जाहिर सी बात है मुझे क्लॉकवाइज ही लेना है। और स्लाइडर में चाहूँगा कि चार स्लॉट में ये पूरा हो जाए, तो मैं 0 to 25 एडजस्ट कर रहा हूँ फिलहाल। चार स्लॉट में किस तरीके से, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं इस बॉक्स को यहाँ से यहाँ पे लाऊंगा, फिर सेकंड बॉक्स को यहाँ से इस जगह, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो मैंने क्या डिसाइड करा है, पहले 0 to 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100। चलिए इस बॉक्स पे हम ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे टैग नेम दिया, ये मेरी स्लाइडर की वैल्यू है। इस जगह हमेशा आपके स्लाइडर की वैल्यू होती है, और ये जो दो ब्लॉक है ये आपके हमेशा आएंगे जो भी आप प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हो, लोकेशन, फिलिंग, रोटेशंस, सी डब्ल्यू मतलब क्लॉकवाइज, सी सी डब्ल्यू मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो पोजिशंस मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 75 एंड -75। अब ये किस तरीके से दिया, इसके लिए आप मेरा पिछला वाला वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि किस तरफ पॉजिटिव होता है, किस तरफ नेगेटिव होता है, और कैसे हम इनको फाइंड करते हैं एक्स वाई पोजिशंस को। ओके, एक बार रन करा के चेक कर लेते हैं कि हमारी लोकेशन सही है या नहीं। तो ये गलत है, ये ऊपर की तरफ आ रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव 75 लेंगे। अब वापस से चेक करते हैं, अब सही है, जी हाँ बिल्कुल सही है, और एंगल जो था हमारा वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है। लेकिन ये टास्क हमें 0 to 100 में पूरा कंप्लीट करना है, तो इसके लिए हम ये नहीं है कि 0 to 100 सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट को प्रॉपर्टी लगा के छोड़ देंगे। हमें क्या करना है, 0 to 25 में इस बॉक्स को यहाँ पे लाना है, और फिर 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100 में वापस इसको इनिशियल जगह पे पहुँचाना है। तो मैं वापस इसकी ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी में जाऊँगा, इसमें इसकी स्लाइडर वैल्यू जो है 0 to 100 की जगह 0 to 25 कर दूंगा। ओके, अब मैंने क्या करा, इसी तरह का एक डुप्लीकेट बॉक्स कंट्रोल प्लस डी से लिया। कंट्रोल प्लस डी से डुप्लीकेट बॉक्स लेने के बाद में मैंने उसको यहाँ रखा और इसका कलर चेंज कर दिया, ग्रीन कर दिया। ठीक है, इस पर डबल क्लिक किया, ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी में गए, 0 से 25 तक मेरा स्लाइडर चल चुका है, तो अब मुझे 25 से 50 पे चलाना है। अब ओरिएंटेशन हमें इस वाले पॉइंट से देनी है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे माइनस के 75 करूँगा, क्योंकि ये हमारा बॉटम में आ रहा है और लेफ्ट साइड में आ रहा है। ओके, रन करा के देखते हैं। 0 to 25, 25 से 50। ठीक है, इसी तरीके से मैंने इस बॉक्स को यहाँ पे डुप्लीकेट लिया, इसका कलर दे दिया ब्लू और इसका कलर दे दिया पिंक। थर्ड वाले बॉक्स पर डबल क्लिक करना है, ओरिएंटेशंस पे क्लिक किया मैंने, मेरे स्लाइडर 50 तक चल चुका है, तो मैं 50 से 75 आप इसको चलाऊंगा।
और इस वाले पॉइंट पर ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए मुझे दोनों वैल्यू माइनस की लेनी पड़ेगी। ओके, लास्ट वाला बॉक्स ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी, स्लाइडर 75 से 100 चलेगा हमारा। नॉर्मली अगर आपको स्लाइडर रीड करना है तो 75 पे आप देख सकते हो जो रोटेशंस था वो 0 डिग्री था, मतलब कोई रोटेशन था ही नहीं। लेकिन जैसे ही वो 75 से 100 के बीच जाएगा तो आपको रोटेशन 180 डिग्री मिलेगा। इस तरीके से आप इसको रीड करके ओके प्रेस कर सकते हो। ओके, लास्ट वाला पॉइंट था हमारा अपर पॉइंट राइट में, जो था एक्स पॉजिटिव और वाई माइनस का नेगेटिव। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। नॉर्मली ये जो एक्स और वाई पोजिशंस में मैं बता रहा हूँ, निकाल रहा हूँ, इसके लिए आपको पहला वाला वीडियो देखना पड़ेगा, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, चेक करते हैं। पहला बॉक्स, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो सारे बॉक्स हमारे सही चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम चाहते हैं कि एक बार में सिर्फ एक ही बॉक्स दिखाई दे, उसके लिए हम यहाँ पे विजिबिलिटी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। अगर आपने नोटिस किया हो तो मेरा फर्स्ट वाला जो बॉक्स है वो 0 to 25 मूवमेंट करता है, उसके बाद वो कोई मूवमेंट नहीं करता है। सेकेंड वाला बॉक्स सिर्फ 25 से 50 तक मूवमेंट करता है, उसके बाद वो कोई मूवमेंट नहीं करता है। तो इस वाले बॉक्स के लिए मैं 0 से 25 तक के लिए विजिबिलिटी ऑन कर देता हूँ। विजिबिलिटी में गए, स्लाइडर का टैग नेम मैंने एस ले रखा है, तो जब तक मेरे स्लाइडर की वैल्यू इक्वल है या लेस देन है 25 से, तब तक इसकी विजिबल स्टेट ऑन रहेगी। ओके, इसी तरीके से मैं सेकेंड बॉक्स के लिए विजिबिलिटी प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ। सेकेंड वाला बॉक्स मेरा 25 से 50 तक चल रहा था, तो मैं चाहूँगा जब मेरे स्लाइडर की वैल्यू 25 के इक्वल हो या 25 से ग्रेटर देन हो, एंड एस इज लेस देन एंड इक्वल टू 50, इन दैट केस इट वुड बी ऑन। तो यहाँ पे मैंने इसको ओके करा। थर्ड वाले पे मैंने विजिबिलिटी प्रॉपर्टी लगाई, थर्ड वाला होगा हमारा 50 से 75 के बीच, और जो फोर्थ वाला बॉक्स है उसकी विजिबिलिटी होगी 75 से 100, तो 75 से ग्रेटर देन एंड 100 से लेस देन, उसकी विजिबिलिटी स्टेट ऑन रहेगी। ओके, रन करा के देखते हैं। 0 to 25, 25 to 50, 50 to 75 एंड 75 to 100, तो इस तरीके से हमारा बॉक्स बिल्कुल सही चला। और जो इसमें कलर जो आपका टच होते हुए जो कलर चेंज हो रहा था, वो एक्चुअल में कुछ नहीं है, सिर्फ एक डुप्लीकेट बॉक्स है। लेकिन अगर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे इस तरीके से, और भी कोई क्वेश्चन या असाइनमेंट चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में, किस प्रॉपर्टी पे आपको असाइनमेंट चाहिए, मैं वो प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये था हमारा आज स्लाइडर प्रॉपर्टी पे एक छोटा सा असाइनमेंट, और थैंक यू फॉर सब्सक्राइब करने के लिए। और अगर आपको इस तरीके के अलर्ट्स या कोई नोटिफिकेशंस चाहिए तो प्लीज़ क्लिक ऑन द रिंग बेल। 2-4 दिन में मैं आपके लिए वापस से एक नया वीडियो लाने वाला हूँ, नई प्रॉपर्टी सीखेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।